या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चालो रे जाए वैरागी रुड़ा राज महल ने त्यागी पेलो चालो रे जाए वैरागी नथी कोई एनी संगा थे नीचे धरती ने आभ छे माथे ये तो निकलो खाली हाथे એને લગની અનેરી લાગી પેલો ચાલો રે જાય વૈરાગી રૂડા રાજ મહેલ ને ત્યાગી પેલો ચાલો રે જાય વૈરાગી પેલો ચાલો રે જાય વૈરાગી પેલો ચાલો રે જાય વૈરાગી। गहरे चिंतन और ध्यान के आध्यात्मिक अभ्यास को महावीर ने प्रारंभ किया। इस संसार को त्याग करने के समारोह के समय जो सुवासिक चंदन का लेप और सुगंधित फूलों की मालाएं उन्हें पहनाई गई थीं, वो अभी भी उनके शरीर पर थी। महावीर के शरीर से फैलने वाली सुगंध से नौजवान युवक उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। कोई उनसे ये सुवासिक लेप मांग रहा था तो कोई ये लेप उनके शरीर से रगड़ कर निकाल रहा था, और ऐसा करते समय वो अपने नाखूनों से महावीर के शरीर पर जख्म कर रहे थे। इस सुगंध से मोहित होकर युवा स्त्रियां महावीर के प्रति पागल हो गईं। वो उनसे उनके प्रेम की भीख मांगने लगी। इस सुगंध ने जंगली कीड़ों को भी पीछे नहीं छोड़ा कि महावीर के शरीर को डंक करने लगी। इससे इतने गहरे घाव हुए कि उनमें से रक्त बहने लगा। महावीर ने इन परेशानियों को चार मास तक सह लिया, लेकिन उनके मुख पर कहीं भी नाराजगी, गुस्सा या दुख नहीं दिखाई देता था। उनका ध्यान बिना रुकावट चलता ही रहा। प्रभु मोर का छोड़कर सुताबी नगरी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर चंड कौशिक नाम का सांप है जो सारे क्षत्रियों को मार डालता है। हे चंड कौशिक, शांत रहो, स्वयं पर नियंत्रण रखो। महावीर की बातें सुनकर चंड कौशिक को अपना पिछला जन्म याद आया। पिछले जन्म में चंड कौशिक 500 तापस सन्यासियों का मुख्य था। एक दिन कुछ राजकुमार उनके आश्रम में फल तोड़ने आए। इन्हें देखते ही चंड कौशिक अपना आपा खो बैठा। भागो, भागो! और क्रोध में उसने रास्ते का एक गड्ढा नहीं देखा, वो उसमें गिर पड़ा और कुल्हाड़ी उसके सिर में लगकर उसकी मृत्यु हो गई।
इस तरह क्रोध के कारण मृत्यु पाने के बाद उसने विषैली किरणों वाले जहरीले सांप चंड कौशिक के रूप में जन्म लिया। चंड कौशिक बुद्ध्यस्व बुद्ध्यस्व ननुमा। सर्दी का मौसम था, बर्फीली चुभने वाली ठंडी हवा चल रही थी। थालितिया गांव के एक सुंदर बाग में प्रभु महावीर ध्यानमग्न थे। एक देवी ने महावीर को देखा। पिछले जन्म में जब महावीर वासुदेव थे तब विजयवती रानी को उन्होंने दुत्कार दिया था। विजयवती इस समय कठपुतना के रूप में देवी थी। उन्होंने अपने पिछले जन्म का बदला लेने के लिए महावीर का ध्यान भंग करने का विचार किया। कब तक नहीं हिलोगे महावीर? आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। हा, 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 हा। तुझे यहाँ से भगा कर ही रहूंगी। हा, 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 हा। प्रभु महावीर के ध्यान को भंग करने के लिए कठपुतना ने उन पर ठंडी बर्फ और पानी तथा हवा की बौछार लगातार जारी रखी। लेकिन ये तो महावीर वीरों के वीर। महावीर कठपुतना के किसी भी प्रयास से विचलित नहीं हुए, नहीं उनके चेहरे पर कोई भाव आया। अद्भुत, अति अद्भुत, धन्य है उनकी सहनशीलता। हे महावीर, मुझे अपने पापों के लिए क्षमा करें। उसी समय महावीर आध्यात्मिक शुद्धता की चरम सीमा तक पहुंच गए। उन्हें एक ऐसे विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे उन्हें ये पता चला कि कोई भी भौतिक वस्तु इस पूरे विश्व में कहां पर स्थित है। अपनी जीवन यात्रा में प्रभु एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बीच में एक नदी आई। नदी पार करने के लिए प्रभु नाव में बैठे। नदी पार करने पर जब वो नाव से उतर रहे थे, ओ महाराज, अरे भाड़ा तो निकालो। बंधु, मैं स्वयं एक भिक्षुक हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है तो फिर नाव में क्यों बैठे हो? तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। देखो, मैं सामने जाकर वापस आता हूं, तब तक इस गर्म रेती में बैठे रहो। अपनी सजा को स्वीकार कर प्रभु महावीर रेत में बैठ गए। उसी समय दूसरी नाव आई। उसमें राज्य के सेनापति स्वयं सवार थे। उन्होंने ये देखा और महावीर को पहचाना। वे तुरंत अपनी नाव से उतरकर वहां पर आए। अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तू जानता है तू किसके साथ यह व्यवहार कर रहा है? यह हमारे राजकुमार हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल अभी भुगतना पड़ेगा। और क्रोधित होकर उन्होंने नाविक को मारने के लिए तलवार निकाली। नहीं सेनापति, उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने तो सिर्फ मुझे अपनी गलती का दंड दिया है और मैंने उसे अपनी प्रसन्नता से स्वीकार किया है। स्वामी, आप महान हैं। आपकी करुणा और दया अपार है। इस तुच्छ नाविक को आपने जीवन दान दे दिया, नहीं तो मैं उसे अवश्य सजा देता। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको पहचान न सका। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। नाविक को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। ऐसा था प्रभु का न्याय और उनकी करुणा। Thank you.
तीन दिन उपवास रखने की शपथ लेने के बाद तीर्थंकर महावीर गांव के बाहर पोताला बाग में स्थित पोशाला नामक एक छोटे से मंदिर में शांति से खड़े होकर साधना में जुट गए। वे अपनी साधना में इस प्रकार खो गए कि एक बैल ने उन्हें खंभा समझकर अपना पार्श्व उनसे रगड़ने पर भी उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। उनकी एकाग्रता, समझदारी एवं दृढ़ सहनशीलता को देखकर देवाधिदेव इंद्र उनके गुण गा रहे थे। क्षमाशीलता प्रदान करने में महावीर समान कोई नहीं, वे विपत्तियों को सहन करने में पृथ्वी समान है, दृढ़ आग्रह में पर्वत समान है, आध्यात्मिक प्रयत्नों में सागर समान है और चित्त की एकाग्रता में वे चट्टान समान है। उनके स्वयं स्वीकृत आध्यात्मिक पथ से उन्हें कोई भी मानव, देव या दानव विचलित नहीं कर सकता। इंद्र की ये बात संगम नामक देवता को अतिशयोक्ति लगी। हे भगवान, मैं आपसे पूरी तरह से असहमत हूँ। कोई भी मानव भगवान से ऊंचा नहीं हो सकता, यह बात मैं आपको साबित कर सकता हूँ। कृपया मुझे इस बात की अनुमति दीजिए। इंद्र ने इस सरसों के बीज को पहाड़ बनाकर रखा है, मैं इस पहाड़ को दोबारा सरसों का बीज बना दूंगा। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को बचा लो। आह, कोई बात नहीं, अब इन चींटियों से अपने आप को बचाओ। अब इन मच्छरों का सामना करो। ओह, कोई फर्क नहीं, बिच्छुओं अपना छल दिखाओ। अब मुझे इन्हें धोखा देना होगा। संगम देवता ने अपने माया जाल से महावीर स्वामी को माता पिता ने हे प्रिय पुत्र, हमारी दशा को देखो, हम बहुत दुखी है। इस बुढ़ापे ने हमें अत्यंत कमजोर बना दिया है। तुम इतने दिन कहां थे पुत्र, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया जब हम इस बुढ़ापे से असहाय है। आह, इनकी मानसिक शांतता तो अब भी प्रस्थापित है। अब इन्हें कुछ सहायक संकटों का सामना करने दो। ओ मेरे प्यारे, तुम कितने जवान और नाजुक हो, तुम क्यों अपने शरीर को इन कठोर तपों से नष्ट कर रहे हो। तुम इतने जवान हो, यही उम्र है जब तुम्हें इंद्रिय बोधों के सुखों में विलीन रहना चाहिए। हे देव संगम, हमने आपको निराश किया है, कृपया हमें क्षमा करें। नहीं, ये देवी युवतियां भी आ गईं। अब समय आ गया है कि मुझे ऐसी स्थिति का निर्माण करना होगा जिससे निकलने के लिए इस महावीर को दूसरे देवताओं की मदद लेनी ही होगी। इस महावीर को देवपद की श्रेष्ठता को पहचानना होगा।
आहा, इन पर आग का भी कोई असर नहीं हुआ। अब पक्षियों को इन्हें चोंच मारने दो। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरु पर्वत की तरह शांत और अचल थे। ये देखकर संगमा अधीर हो उठा। थककर अंत में उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार काल चक्र का अपमान किया। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। हे पूजनीय प्रभु, मैं हूं संगम। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप केवल मानवों के ही नहीं बल्कि भगवानों के भी पूजनीय हैं। आपका स्वयं नियंत्रण और स्वयं पर विजय पाने की शक्ति विस्मयकारी है। क्षमाशीलता का आप एक अनुपम उदाहरण हैं। आपकी सहनशीलता अद्भुत है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ओह, अब इस तुच्छ जीव का क्या होगा? प्रभु महावीर की आंखें करुणा से भर आईं। ऐसे थे करुणा मूर्ति महावीर। इस दयालु भगवान की आंखें मेरे लिए करुणा से नम गई हैं। इससे मुझ जैसे पापी को जरूर क्षमा मिलेगी। महावीर कौशाम्बी नगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना उपवास तोड़ने का अनुपम निश्चय किया। लेकिन उपवास तोड़ने की उनकी कई शर्तें थीं। वो ये कि उन्हें भोजन के बाद हवा करने वाली टोकरी के कोने से काले उबले हुए सेम भिक्षा में दिए जाएं, और भिक्षा देने वाले इंसान का एक पैर घर की दहलीज के अंदर हो और दूसरा बाहर। भिक्षा देने वाला व्यक्ति एक ऐसी राजकुमारी हो जो एक पवित्र सती थी, लेकिन जिसे बाद में दासी बनाया गया हो। उसके पैरों में जंजीरें हों और आंखों में आंसू हों। उसके सिर का मुंडन किया गया हो और उसने 3 दिन का उपवास रखा हो। एक व्यापारी थे जिनका नाम था धनवाहा। उन्होंने दासी बाजार से एक चंदन बाला नाम की नौकरानी को खरीदा था। वे उसे अपनी बेटी की तरह पालते थे। जब धनवाहा अपनी व्यावसायिक यात्रा से लौटते थे, तब चंदनबाला उन्हें जल देती थी और उनके पांव धोती थी। एक बार चंदनबाला उनके पांव धो रही थी, तब उसके बाल धनवाहा के पांव पर गिर पड़े। धनवाहा ने उसके बालों को उठाया ताकि वे गीले ना हों। धनवाहा की धर्मपत्नी मूला ने यह देखा और वो ईर्ष्या की आग में जलने लगी। मेरी प्रिय चंदन बाला, इस मैले जल से तुम्हारे बाल भीग रहे हैं। कोई बात नहीं स्वामी, यह जल मेरे लिए अति पवित्र है। ये लड़की अपने आप को बहुत चतुर समझने लगी है। किसी दिन मुझे इसका कुछ तो करना होगा। जब धनवाहा अपनी अगली व्यावसायिक यात्रा पर निकल पड़े, तब मुला ने चंदन बाला की बहुत जोरों की पिटाई की, उसके सिर का मुंडन किया और उसे जंजीरों में बांधकर अंधेरे तहखाने में डाल दिया। उसे 3 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया। हे दासी, ये तुम्हारा दंड है। अब इस केशविहीन सर को लेकर मेरे पति के सामने जाने का साहस करो। जब धनवाहा कौशाम्बी पहुंचे, तब उन्हें इस घटना का पता चला। उन्होंने चंदन बाला को तहखाने से छुड़वाया। बाहर निकलो मेरी बच्ची, अब कोई चिंता की बात नहीं।
मैं जो आ गया हूँ। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। यह सेब खाओ, तब तक मैं किसी लोहार को लाता हूँ तुम्हारी ये जंजीरें कटवाने के लिए। हे माते, मुझे कोई भिक्षा दो। योगी महाराज, आपको देने लायक मेरे पास इस समय इन काले सेमों के अलावा कुछ भी नहीं है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महावीर ने चंदन बाला से उबले हुए काले सेम स्वीकार किए और अपने 6 मास का उपवास तोड़ा। चंदन बाला भाग्यशाली और धन्य हुए। आकाश से उसके ऊपर 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई। आकाश से दैवी शब्द गूंजे, अद्भुत दान, अद्भुत दान। चंदन बाला के पांव की जंजीरें सुवर्ण पायलों में बदल गईं और उसकी सुंदरता में एक नया निखार आया। कौशाम्बी के सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए। उन्होंने आनंद और दुख का मिश्र भाव अनुभव किया। आनंद इसलिए कि महान योगी ने 6 मास का उपवास तोड़कर अन्न ग्रहण किया था, और दुख इसलिए कि वे जान चुके थे कि चंदन बाला वास्तव में एक राजकुमारी थी, जिसे युद्ध के परिणाम स्वरूप बाजार में एक दासी के रूप में बेचा गया था और उसे निरंतर अपमान और दुख सहन करने पड़े थे। सारे लोग युद्ध की भयानकता को समझ गए। युद्ध में कई युवक मारे जाते हैं, फसलों और जानवरों का नाश होता है, बच्चे अनाथ होते हैं। सबको युद्ध में भाग लेने का पश्चाताप हुआ। अत्यंत कठोर अवस्था में 12.5 साल तप किया। वे घने जंगलों में रहे और रोज नई चुनौतियों का सामना करते थे। निर्भयता और सहनशीलता का ऐसा अनुपम उदाहरण कभी किसी ने देखा या सुना नहीं था। तीर्थंकर महावीर ने क्रोध और घृणा के विरोध में प्रेम और स्नेह का उपयोग किया। जो लोग उन्हें कष्ट पहुंचाते थे या जो उनका बुरा चाहते थे, उनके लिए भी महावीर के मन में हमेशा मित्रता और करुणा होती थी। उनका ध्यान किसी भी परिस्थिति में कभी फिर चाहे वो किसी सुनसान मंदिर में या किसी शमशान भूमि में ध्यान कर रहे हों, चाहे चुभती हुई सर्दी में या जलने वाली धूप में ध्यान कर रहे हों, ध्यान की खड़ी हुई मुद्रा में इतने शांत और गतिहीन होते थे कि बैल उन्हें एक खंभा समझकर उनके शरीर पर अपना पार्श्व रगड़ते थे। देव, दानव, मानव और जानवरों ने उनके ध्यान में विघ्न डालने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन महावीर ने प्रसन्नता और समचित्तता से इन चुनौतियों को सहन किया। न उन्हें मित्रों से अनुराग था, न शत्रुओं से घृणा। नैतिक ध्यान की अति उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के बाद महावीर ने शुद्ध ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। अपने सन्यासी जीवन के 4,515 दिनों के अभ्यास में उन्होंने केवल 339 दिन ही अन्न ग्रहण किया, और वो भी जो उन्हें भिक्षा में मिला, केवल वही अन्न ग्रहण किया। सन्यासी जीवन के 13वें साल में महावीर रजवालिका नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक सागवान के पेड़ के नीचे ध्यान आरंभ किया। जब चंद्रमा तारामंडल के उत्तर फाल्गुनी से समुचय बोध था,
तप तीर्थंकर महावीर को अपने आध्यात्मिक अभ्यास का अति उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ। दुख, क्लेश और मानसिक पीड़ा से त्रस्त इस जग में प्रेम, शांति और मित्रता की ठंडी लहर बहने लगी। महावीर ने शुद्ध ध्यान प्राप्त किया था और वे सर्वज्ञानी बन गए। आत्मा को गंदा करने वाले चार कर्मों को उन्होंने नष्ट किया। वे चार कर्म थे, भ्रमित करने वाले कर्म, ज्ञान ढकने वाले कर्म, दृष्टि ढकने वाले कर्म और बाधा पहुंचाने वाले कर्म। तीर्थंकर योग्य विजेता अरिहंत बन चुके थे। वे आठ मांगलिक वस्तु प्रतिहई से पूजनीय योग्य बने। वे जिन बने, उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसन्नता से अभिभूत हुए देव तीर्थंकर महावीर के जीवन के इस चौथे शुभ अवसर में शामिल होने आए। उन्होंने तीर्थंकर को प्रणाम किया। सागवान के पेड़ के नीचे तीर्थंकर महावीर ने कुछ घटक ध्यान किया था, जब उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सर्वज्ञ बन गए। तीर्थंकर महावीर के पहले प्रवचन के लिए निर्माण हो रहे सभा मंडप को इंद्र ने अपने अनुचर समूह के साथ स्वयं निरीक्षण किया। वायुदेव ने पृथ्वी पर से धूल, मिट्टी, गंदगी और कांटों को साफ किया। वर्षा के देव ने जमीन पर सुवासित जल छिड़का। छह ऋतुओं के सभापति देवों ने पांच रंगों के फूल बरसाए। भुवनपति देवों ने एक चांदी का किला दुर्ग बनाया, जिसमें 10,000 सीढ़ियां थी। और ज्योतिषी देवों ने एक सुवर्ण किला बनाया, जिसमें 5,000 सीढ़ियां थी। पूरे सभा मंडप में तीन किले थे। हर किले के चार प्रवेश द्वार थे और हर प्रवेश द्वार में देवी देवताएं द्वारपाल बनके खड़े थे। पहले किले में वाहनों के लिए वाहन तल बनाया गया। दूसरे में पंछियों और जानवरों के लिए सभा मंडप बनाया गया। तीसरे में मानवों और देवी देवताओं के लिए सभा मंडप बनाया गया। इनके ठीक बीच में एक अशोक का पेड़ रखा गया, जिसे फूल मालाएं और ध्वजों से सजाया गया। इस पेड़ के ऊपर एक छतरी लगाई गई। पेड़ के नीचे चारों दिशाओं की तरफ मुख किए हुए चार सिंहासन रखे गए। देवताओं ने अशोक के पेड़ पर पुनः एक सागवान पेड़ को उत्पन्न किया, एक ऐसा ईश्वरीय पेड़ जिसके नीचे तीर्थंकर को शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस पवित्र सभा मंडप में प्रवेश करने पर तीर्थंकर महावीर ने अशोक के पेड़ के 3 बार चक्कर लगाए और पूर्व दिशा की ओर स्थित सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से अपने 3 और शरीर निर्माण किए, जो बाकी 3 सिंहासनों पर विराजमान हुए। इस वैभवशाली और ईश्वरीय सभा मंडप में तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, त्याग और आत्मसंयम पर अपना पहला प्रवचन दिया। महारानी मृगवती पर कई दुखों के पहाड़ टूट पड़े। उनके पति का आकस्मिक देहांत हुआ था
और कौशाम्बी राज्य को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई थी। उनका पुत्र उदयन अब भी एक बालक था। महारानी मृगवती एक प्रेमी माता और एक कुशल शासक थी। उज्जैनी के राजा प्रग्योद एक कामातुर मनुष्य था, जिसे अपनी लालसा पर कोई संयम नहीं था और जो सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझता था। वो महारानी मृगवती के विचारों में खोया रहता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए उसने कौशाम्बी पर हमला करने का निर्णय कर लिया। सेनापति, पूरी सेना को एकत्रित करो, हमें कौशाम्बी पर हमला करना है। ये संदेश महारानी मृगवती के पास लेकर जाओ और दरबार में सबके सामने इसे जोर से पढ़ो, और महारानी जो संदेश देगी उसे वापस लेकर आओ। मैं उज्जैनी का राजा प्रग्योद, मैंने कौशाम्बी को चारों ओर से घेर लिया है, और अगर महारानी मृगवती ने मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया तो मैं पूरे कौशाम्बी को नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अपने राजा तक ये संदेश पहुंचाना। हे राजा प्रद्योत, कृपा करके मुझे आपके इस प्रस्ताव पर सोचने की थोड़ी अवधि दे। मेरे पति का हाल ही में देहांत हुआ है, अभी तक तो शोक की अवधि भी पूरी नहीं हुई है। राजकुमार उदयन अभी भी छोटे बालक हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने राज्य के प्रशासन को ठीक रखूं। कई सारे राज्य मेरे राज्य पर दृष्टि लगाए हुए हैं कि वे कब उस पर आक्रमण करके उसे प्राप्त करें। मैं ये जानती हूं कि अगर हमने विवाह कर लिया तो हमारे राज्य शक्तिशाली और अजेय बन जाएंगे, लेकिन वो समय अभी आया नहीं है, इसलिए आप कुछ और प्रतीक्षा कीजिए। जब सही समय आएगा तब मैं स्वयं ही आपको उसके बारे में लिखकर बताऊंगी। सेनापति, सेना को वापस उज्जैनी बुला लो। महारानी मृगवती की योजना सफल हुई। उन्हें अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का समय मिला। उन्होंने किलेबंदी करवाई, उन्होंने शस्त्र इकट्ठा किए, भारी मात्रा में अनाज इकट्ठा किया, सन्निकट युद्ध की उन्होंने पूरी तैयारी की। राजा प्रद्योत महारानी मृगवती के निमंत्रण की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत दिन हो गए लेकिन उन्हें मृगवती से कोई बुलावा नहीं आया। उन्होंने महारानी को संदेश पर संदेश भेजे लेकिन उन्हें महारानी से कोई भी उत्तर नहीं मिला। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने रानी से युद्ध करने की तैयारी की। सेनापति को बुलाओ, हमें कौशाम्बी पर हमला करना है। आदरणीय महावीर अरबिया नगर से कौशाम्बी में प्रवेश कर चुके थे और चारों ओर शांति और मित्रता का प्रसार हो रहा था। महारानी मृगवती जानती थी कि महावीर ही जो शांति के देवदूत थे इस सन्निकट युद्ध को रोक सकते हैं। अपने छोटे बालक उदयन के साथ वो तीर्थंकर महावीर की पवित्र सभा में उनका प्रवचन सुनने के लिए गई। राजा प्रद्योत भी अपनी रानियों के साथ उस सभा में उपस्थित थे। हे मित्रों, अपने आप से लड़ो। अपने अंदरूनी शत्रु जैसे क्रोध और लालच से लड़ो और उनकी पराजय करो। बाहर के शत्रुओं से भला क्यों लड़ना, बाहर की लड़ाई निरर्थक होती है।
जो हजारों साहसी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उससे भी वो महान विजेता है जो अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। अपने आप को गिरने से बचाने के लिए हमेशा अपने मन को पवित्र रखो। अपने मन को साहसी और सहनशील बनाओ, जो लालसा और अभिलाषा से न बिगड़े। इससे आप कभी हारेंगे या अपमानित नहीं होंगे, और आप हमेशा शांत रहकर कभी उत्तेजित नहीं होंगे। महावीर की जय हो, महावीर की जय हो। हे राजा प्रद्योत, आपकी अनुमति से मैं महावीर के नेतृत्व में एक सन्यासिन बनना चाहती हूँ। महावीर का प्रवचन सुनकर राजा प्रद्योत की भावना भी पवित्र हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बिना हिचकिचाहट महारानी को अनुमति दे दी। हे राजा, आज के पश्चात आप मेरे पुत्र उदयन को अपना पुत्र समझिए। आप कृपा करके उसकी देखभाल कीजिए। आप उसके संरक्षक और उसका हित चाहने वाले बनिए। उसे एक सर्वश्रेष्ठ और परोपकारी राजा बनने का प्रशिक्षण दीजिए। हे महारानी, मैं उत्तेन को अपना पुत्र समझकर उसका ख्याल रखूंगा और उसे राजनीति की शिक्षा दूंगा। आप अपने पुत्र की सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और एक जैन साध्वी का जीवन अपनाइए। भगवान महावीर की शिक्षा से युद्ध और रक्तपात रुक गया। उसके बदले में विश्वव्यापी प्रेम फैल गया और मोह माया से मुक्ति मिली। कौशाम्बी नगर में सुख और शांति फैल गई। सर्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद 13वें साल में पूजनीय महावीर राजगृह से पावापुरी गए। वहां पर वर्षा के 4 मास वे राजा हस्तिपाला के लिपिक के घर रहे। सर्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद 13वें साल में पूजनीय महावीर राजगृह से पावापुरी गए। वहां पर वर्षा के 4 मास हे विद्वान संतो, हम सब दुखी हैं। हम सब ये सोच रहे हैं कि क्या हम तीर्थंकर का दिव्य रूप फिर से देख पाएंगे, क्या हम फिर से उनका उदार व्याख्यान सुन पाएंगे। हे पावापुरी के प्रिय नागरिकों, तीर्थंकर महावीर ने हमें यह उपदेश किया है कि दुख हो या ना हो, दोनों भी स्थितियों में शांत रहो, विचलित ना हो। हम सब ये जानते हैं कि तीर्थंकर महावीर को शरीर त्यागने पर मुक्ति मिलेगी, इसलिए हमने अपने दुख छोड़कर महावीर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देव भी गहरी उदासीनता में थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। अगर मैं महावीर के मृत्यु की घटना को कुछ देर स्थगित करता हूं तो समझो कि हमने ये लड़ाई जीत ली है। बाद में मैं ये देखूंगा कि महावीर कुछ और साल जिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो एक निर्णायक पल का उत्तरजीवी होता है वो 100 साल तक जीता है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। हे पूजनीय महावीर, मैं आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका गर्भ में धारण होना, जन्म, पहला कदम लेना और सर्व ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी तब हुआ जब हस्तोतारा तारामंडल से गुजर रहा था।
जिससे ये सूचित होता है कि आपकी मृत्यु का समय आ गया है। ये अवधि अशुभ है, इसलिए अच्छा ये होगा कि आप अपनी मृत्यु को स्थगित कर दें। आप ये सहजता से कर सकते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्तिमान हैं। हे इंद्र, आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपको मेरे शरीर से अनुराग है। आप विश्व का ये नियम भूल रहे हैं कि एक जीवन के फैलाव को लंबा नहीं किया जा सकता है। एक तीर्थंकर हो या साधारण मानव, कोई भी अपने जीवन काल को जरा भी बढ़ा नहीं सकता। तीर्थंकर महावीर ने अपना अंत प्रवचन दिया। कुछ घटक चले इस प्रवचन में महावीर ने पहले 55 अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए शुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया और फिर अगले अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए अशुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया। प्रवचन के अंत में वे धीरे धीरे अपनी मानसिक और मौखिक सक्रियता पर रोक लगाते गए। उनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया क्योंकि भ्रमित करने वाले कर्म उनकी आत्मा से पूरी तरह से अलग हो गए थे। इससे शेष 3 कर्म भी, जो थे ज्ञान को ढकने वाले कर्म, दृष्टि को ढकने वाले कर्म और बाधा करने वाले कर्म, भी दूर हो गए। अंत में उन्होंने अपने शरीर की पूरी सक्रियता पर रोक लगाई और इस शरीर और उसके कर्मों से वे पूरी तरह मुक्त हुए। उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। वे निर्मल, ज्ञानवर्धक, परिपूर्ण और निष्कलंक बने। तीर्थंकर महावीर की जय हो। तीर्थंकर महावीर की जय हो। पूजनीय महावीर की मृत्यु हुई, सारे जग में दीप जला, पवित्र अंत्येष्टि की तैयारी करो। देवताओं ने गोशिशी चंदन लाकर चिता बनाई। महावीर के शरीर को सुगंधित दुग्ध जल से स्नान कराया गया। हरिचंदन का लेप लगाकर उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाए गए। सुवर्ण एवं हीरों के जवाहरात पहनाए गए और सुवर्ण मुकुट पहनाया। फिर उन्होंने आदर पूर्वक शरीर को उठाकर विशेष रूप से बनाई हुई पालकी में रखा। कुछ देव संगीत वाद्य बजा रहे थे। महावीर की अंत्येष्टि देवताओं ने बड़े गौरव के साथ की। शक्रोक्तारोपित प्रभु। तीर्थंकर अपने निर्वाण के सुनिश्चित काल से अवगत थे। उन्होंने अपने मुख्य तपस्वी शिष्य गौतम को अन्यत्र किसी गांव में भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम उनकी मृत्यु के दृश्य को सहन न कर सकेगा। महावीर के निर्वाण की खबर उसे दूसरे दिन मिली, तब वो अंतःकरण तक कांप उठा। उसके हृदय को चोट पहुंची और उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ थे, फिर आपने मुझे अपने आप से अपने निर्वाण के समय दूर क्यों रखा? क्या आपको शक था कि मैं किसी बालक की तरह आपके देह से, आपके प्राण को मुक्त होने से रोक लेता? या आपके प्रति मेरे भक्ति में कोई कमी थी? अब मैं किसके चरणों पर सर रखूं? मैं किसके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करूं? हे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? हे प्रभु, आपने जाते समय मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले लिया? श्रद्धालु महावीर संपूर्ण रूप से विरक्त विरक्त थे, फिर मैं क्यों कर इतना अनुरक्त हूं?
मैं उनकी दैहिक रूप की पूजा में ही क्यों मग्न हूँ, जबकि उनकी आत्मा अलौकिक गुणों से परिपूर्ण है। आसक्ति तो आसक्ति ही है, चाहे वह साधारण पार्थिव वस्तुओं के लिए हो या महान श्रद्धेयु संत के प्रति। तीर्थंकर अपने निर्वाण के सुनिश्चित काल से अवगत थे। उन्होंने अपने मुख्य तपस्वी शिष्य गौतम को अन्यत्र किसी गांव में भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम उनकी मृत्यु के दृश्य को सहन। तीर्थंकर अपने निर्वाण के सुनिश्चित काल से अवगत थे। उन्होंने अपने मुख्य तपस्वी शिष्य गौतम को अन्यत्र किसी गांव में भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम उनकी मृत्यु के दृश्य को सहन न कर सकेगा। महावीर के निर्वाण की खबर उसे दूसरे दिन मिली, तब वो अंतःकरण तक कांप उठा। उसके हृदय को चोट पहुंची और उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। Mahavira, 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 Mahavira.